अम्मी ये मेरी कमीज सी दे, और मेरा यूनिफॉर्म बहुत पुराना हो गया और गंदा भी हो गया। मेरे स्कूल के शूज़ भी छोटे हो गए अम्मी, मुझे नहीं आते और अब मेरे पैरों में दर्द होता है। युसरा, तुम्हें बात बढ़ा चढ़ाकर करने की आदत हो गई रीता, ये अच्छी आदत नहीं होती। और मैं जानती हूँ ना तुम्हारा यूनिफॉर्म पुराना हुआ है और ना तुम्हें शूज तंग हुए, बस सहेलियों को देखकर उनकी नकल करने के लिए नई चीजें चाहिए। अम्मी आप कुछ भी समझे, मुझे चाहिए बस। चलो दुआ करो भाई को अल्लाह नौकरी दे दे, जब उसकी पहली तनख्वाह आएगी तुम्हें संभ ले। अम्मी मुझे नहीं पता मुझे चाहिए, आप खुद आप इसे कहते वो मुझे ला देंगी। अम्मी आरिस भाई की जॉब वॉब तो लगती है नहीं, पता नहीं कब लगेगी, कब से सुन ही रहे। क्या हुआ, खामोश क्यों हो गए? कहो कहो कि तुम्हारा भाई एक निकम्मा है। कोई जॉब नहीं है उसके पास और वो इस घर में मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है, कहो ना। ए भाई आई एम सॉरी। इसरा तुम क्यों सॉरी कर रहे हो? सॉरी तो मुझे करना चाहिए, बेरोजगार हो कोई काम नहीं है, खुद अपनी इज्जत नहीं करता तो कोई दूसरा क्या करेगा। देख लिया देख लिया, ज्यादा बोलने का नतीजा अपनी जरूरत की तुम्हें पड़ी रहती है बस। और हुदा को देखकर कभी बस कर दे, हर टाइम हुदा बिगर रेफरेंस नहीं दिया करे, नहीं है वो उनके जैसी। और हाँ मैंने आरिस भाई को भी सहूलत नहीं बोला, सिलाई कर दीजिएगा। शादी का जब से सुना है ना मैं ना बहुत खुश हूँ, पता है हम ढोलकी भी अरेंज करेंगे। हाँ यार बहुत मजा आने वाला है। और सुनो तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो मुझे फोन कर सकते हो। श्योर मैडम व्हाई नॉट, आखिर आप इकलौती कजन ही तो है मेरी। अब देखो बताने ही भूल गई, तुम्हें पता है ना कि मेरा ड्रेसिंग सेंस कितना अच्छा है, मुझे शौक भी है चीजों का, तो तुम्हें कुछ भी जरूरत हो कभी भी कहीं जाना हो टू लेट मी नो। जी बिल्कुल अंदाजा है मुझे, ताई अम्मी की बेटी हैं आप, इन सब चीजों में एक्सपर्ट तो होंगी ना। और हो सकता है कि ताई अम्मी तुम्हें भी ट्रेन कर दे। सलमान चाचू ने जो भी कुछ कहा है हो सकता है कि वो हमारे घर में पहले से डिस्कस हो चुका हो। जो भी है मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और मैं चाहती भी यही हूँ, और जो वो कहते वो होता है। क्या बात कर रहे